और इसी बीच एक बड़ी खबर देहरादून से आ रही है, जहां पर प्रेमनगर में चाय बागान में दो शव मिलने से सनसनी फैल गई है। संदिग्ध हालत में महिला और पुरुष के शव मिले हैं। पुलिस सुसाइड का केस मानकर इसे चल रही है, मामले की जांच की जा रही है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, मामले की जांच जारी है। देहरादून में दो लोगों के शव मिले हैं और प्रेमनगर में चाय बागान में दोनों के शव पाए गए। महिला और पुरुष दोनों के शव बरामद यहां पर किए गए हैं और शुरुआती जांच में जो पुलिस को पता चला है, पुलिस इसे आत्महत्या मानकर चल रही है और पुलिस का कहना है कि दोनों ने आत्महत्या की है। हालांकि इसके पीछे वजह क्या रही, इन तमाम चीजों को लेकर जांच चल रही है। भारती सकलानी फोनलाइन पर जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। भारती, अभी तक जो जांच हुई है क्या पता चल पाया है, पुलिस क्या कह रही है? देखिए, प्रथम दृष्टया ये पूरा मामला लग रहा है सोसाइटी का पुलिस को, लेकिन अभी आगे की जांच पड़ताल में लगी हुई है और ये बताया जा रहा है कि ये दोनों ही महिला और पुरुष रोजाना चाय बागान के पास सुबह घूमने जाते थे, लेकिन क्या रीजन रहे हैं इस पूरे घटना के पीछे और इसकी जांच पड़ताल में पुलिस अभी लगी हुई है, तफ्तीश में लगी हुई है। फिलहाल दोनों की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका भारती।